आज की वीडियो होने वाली है ट्यूटोरियल वीडियो, जो मेरी वीडियोस में इंट्रो होते ही नहीं है। मैं डायरेक्ट से हम अच्छे अच्छे इंट्रो कैसे बना सकते हैं, ऐप्स से काफी अच्छे अच्छे इंट्रोस बन सकते हैं। सेम इंट्रो मैं आप लोग को इस वीडियो में बनाना बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो होने वाली है ट्यूटोरियल वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ हाउ टू मेक इंट्रोस इन कैपकट ऐप के। कैपकट से हम अच्छे अच्छे इंट्रो कैसे बना सकते हैं। सो आप लोग ने वैसे तो मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मेरी वीडियोज़ में इंट्रो होते ही नहीं है, मैं डायरेक्टली व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बट मेरा जो पिछला चैनल था उसमें मैं इंट्रो बनाया करती थी, इसी तरीके के सेम इंट्रो मैं आप लोग को इस वीडियो में बनाना बताऊँगी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, तो सबसे पहले तो भाई कैपकट ऐप डाउनलोड कर लो अपने अपने मोबाइल में, अगर डाउनलोड नहीं है तो। एंड कैपकट ऐप ओपन करो और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट में जाओ, फोटोज़ एंड वीडियोज़ का ऑप्शन है, उसमें फ़ोटोज़ के ऑप्शन में क्लिक करो एंड जो भी आप लोग के पास अपना बैकग्राउंड सेव है वो उसमें ऐड कर दो। मैंने ये वाला बैकग्राउंड पिंटरेस्ट ऐप से उठाया, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स होते हैं, तो आप लोग भी उस ऐप से काफ़ी मज़े मज़े के बैकग्राउंड सेव कर सकते हो एंड अपनी वीडियोज़ एंड थंबनेल के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड ये करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैपकट में ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स हैं। जैसे कि ये वाला बैकग्राउंड देखो, ये कितना अच्छा है। ये मैंने एक इंट्रो वाली वीडियो में यूज़ किया था, मैंने एक इंट्रो बनाया था उसमें ये वाला बैकग्राउंड यूज़ किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग कैनवस के ऑप्शन में क्लिक करो, कैपकट में एक ऑप्शन है कैनवस के नाम से, तो उधर आप लोग को ना इस तरह के अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। एंड उसके बाद अब हम जाएंगे स्टिकर के ऑप्शन में, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे स्टिकर्स हैं। इतने स्टिकर्स हैं कि ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा ढूंढ लेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग को मैं ये बता दूं एनिमेशन वाले स्टिकर्स ढूंढने, क्योंकि हम लोग इंट्रो बना रहे हैं तो उसमें एनिमेटेड वाले स्टिकर्स होने चाहिए। तो स्टिकर्स के ऑप्शन में आप लोग को एक फ्रेम वाला स्टिकर दिखेगा, वहाँ पर ये देख सकते हैं इतने अलग अलग फ्रेम्स भी हैंगे, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैंने अपने बैकग्राउंड के ऊपर ये वाला स्टिकर लगाया है। ठीक है, अब मैं ढूंढ रही हूँ साथ ही साथ सब्सक्राइब का स्टिकर, क्योंकि इंट्रो में सब्सक्राइब वाला ऑप्शन भी लगता है, तो इस वजह से मैंने सब्सक्राइब के दो स्टिकर्स निकाल लिए। अब देखते हैं कि इस पर कौन सा बैठेगा। इसके अलावा मैंने एक लोडिंग वाला स्टिकर निकाला, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे लोडिंग वाले स्टिकर्स भी हैंगे, मतलब के जो इंट्रो पे लगते हैं, तो मैंने ये वाला निकाला है, ये लगाया। सही है, इसको एनिमेशन लगा देंगे, इन एंड आउट दोनों पर लगानी है, मतलब स्टार्टिंग पर भी एनिमेशन हो एंड एंड पर भी एनिमेशन लगे। तो मैंने दोनों पर लगा दिए, फ्रेम वाले स्टिकर पर भी एंड लोडिंग वाले स्टिकर पर भी। और फिर लोडिंग वाले स्टिकर को मैंने थोड़ा सा आगे खिसकाया है ताकि वो सेट हो जाए, क्योंकि वो पहले हमारा फ्रेम वाला स्टिकर आना चाहिए एंड देन लोडिंग वाला स्टिकर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद हम लगाने वाले हैं टैग्स। टैग्स में मैं लिख रही हूँ वेलकम बैक, पहले वेलकम बैक लिख रही थी लेकिन मैंने लिखा वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि जब न्यू स्टार्ट करोगे तो वेलकम टू माय चैनल भी लिख सकते हैं, और अगर पुराने हो तो वेलकम बैक टू माय चैनल भी लिख सकते हैं। और जो टेक्स्ट होता है ना वो मेन होता है, आप थंबनेल बना रहे हो या फिर इंट्रो बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो ना, उसमें टेक्स्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से अच्छा लगता है, उसी से मतलब खूबसूरती आती है एक्चुअली। तो टेक्स्ट का कलर एंड फॉन्ट दोनों मैंने चेंज कर लिए हैं। टेक्स्ट का कलर मैंने येलो में रख लिया और फॉन्ट जो है वो पैलेट के नाम से है, वो मैंने फॉन्ट रखा है, ये वाला अच्छा लगता है मुझे फॉन्ट, तभी मैं ये रख लेती हूँ। एनिमेशन लगा दिए इस पर, तो एनिमेशन जो है वो मैंने जॉल फॉरवर्ड के नाम से है, तो वो वाली एनिमेशन लगाई है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि जो प्रो वाली है ना उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना, प्रो वाली यूज ही नहीं करना, ठीक है, वो क्योंकि पेड है एंड उसको इग्नोर करना, बाकी ये जो फ्री वाली है वो सारी यूज कर सकते हो। एंड फिर मैंने दूसरा टेक्स्ट लिखा है, उसमें लिखा है लाइफ विद सिमरल अपने चैनल का नेम। ऑल्सो इसका भी कलर एंड फॉन्ट दोनों चेंज कर लिए, कलर व्हाइट में रख लिया, स्टाइल में जाके कलर आप चूज कर सकते हो। एंड फॉन्ट जो है वो इटैलिक के नेम से है, तो वो वाला फॉन्ट मैंने यूज किया है। बाकी फिर इस पर भी एनिमेशन लगाऊंगी क्योंकि एनिमेशन से सही लगेगा, तो एनिमेशन जो है वो मैंने जूम इन वाली इस पर यूज की है। बाकी खुद के हिसाब से टेक्स्ट को आगे पीछे करके सेट कर लो, कितने टाइम तक रखना है, कितना इसकी लेंथ होनी चाहिए, वो सब आप लोग अपने एडजस्ट कर लो। एंड बैकग्राउंड, एक और चीज बता दूं कि बैकग्राउंड जो है ना वो आप लोग रेशियोज की सेट कर लेना, 16:9 रेशियो। तो ये देख सकते हो टेक्स्ट को तो भाई मैंने सेट कर लिया है, कितना रखना है कितना नहीं, मतलब मैंने एक जो लाइफ इज सिमरल वाला है उसको मैंने आगे कर दिया है एंड जो वेलकम टू माय चैनल
वो मैंने पहले रखा है एंड उसके बाद लाइफ इज सिमरल की एनिमेशन वाला टेक्स्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद एडिटिंग करते दौरान मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि इधर एक और चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो मैं स्टिकर के ऑप्शन में गई, वहाँ पर मैंने ये लोडिंग 1-2-3 वाला स्टिकर ढूंढा एंड वो वाला ऐड कर दिया इस पर। तो बस फिर देख सकते हो शुरू से इंट्रो, ये देखो यहाँ तक एडिट हो चुका है। अभी आगे हमें और एडिट करना है, यहाँ पर सब्सक्राइब का जो ऑप्शन मैंने लगाया है ना वो इस पर एडजस्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि सब्सक्राइब वाले ना मैंने दो स्टिकर चूज़ किए थे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे रेड वाला भी अच्छा लग रहा था और ये ग्रे वाला भी, लेकिन रेड वाला जो है ना वो एनिमेटेड वाला है ही नहीं, तो इस वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया। एंड यहाँ पर ये जो ग्रे वाला है ना मैंने बोला यही वाला लगा लेती हूँ, वहाँ पर और भी ऑप्शन है लेकिन यार काफ़ी सारे स्टिकर्स होते हैं ना तो उसमें ढूंढना थोड़ा पड़ता है, तो इस वजह से मुझे ये वाला मिला। तो मैं आप लोग को एक तरीके से बता रही हूँ, बाकी आप लोग खुद से भी देख सकते हो वहाँ पर काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं, तो आप लोग वहाँ से दूसरे टाइप के भी चूज़ कर सकते हो, सब्सक्राइब वाले काफ़ी सारे हैं वहाँ पर। तो ये वाले स्टिकर को ना मैंने थोड़ा सा स्मॉल साइज में कर दिया, मतलब एडजस्ट कर लूंगी कि कितने हिसाब से रखना है, तो मैंने थोड़ा सा स्मॉल कर दिया। और इसके अलावा मैंने एनिमेशन भी लगा दी है, मैंने स्टार्टिंग में एनिमेशन लगाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि यूं ही ठीक लग रहा था, बाकी जब सब्सक्राइब एंड होगा ना तो फिर मैंने एंडिंग पर एनिमेशन लगाई है। तो एंड पर मैंने जो एनिमेशन लगाई वो स्पिन आउट 1 के नाम से एनिमेशन है, वो वाली एनिमेशन मैंने चूज़ करी है, बिल्कुल रोल होके घूमती है, तो ये इस पर ठीक लग रही थी। अब चलो फिर शुरू से स्टार्ट करती हूँ ये इंट्रो, ये देख सकते हो कितना सही इंट्रो बना है, बस यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि वेलकम टू माय चैनल और ये जो लाइफ इज सिमरल है इसका टेक्स्ट मुझे थोड़ा सा स्मॉल करना है, स्मॉल नहीं मतलब छोटा करना है, इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, मींस के एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी ताकि इससे ना इंट्रो काफ़ी लंबा ना हो। इंट्रो यार काफ़ी लंबा अच्छा नहीं लगता, जैसे कि 10 से 11 सेकंड तक का ही इंट्रो ठीक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस फिर देख सकते हो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया एंड फिर से स्टार्ट कर ली हूँ इंट्रो। आप लोग देख सकते हो शुरू में ये फ्रेम वाला आया, फिर लोडिंग वाला स्टीकर उसकी एनिमेशन में आया एंड फिर वेलकम टू माई चैनल एंड लाइफ इज सिमरल का टेक्स्ट आ गया, फिर ये जो 1-2-3 वाला हमने स्टिकर ढूंढा था ये लगाया एंड फिर सब्सक्राइब का गया। सब्सक्राइब को मैंने फिर थोड़ा सा स्मॉल कर दिया, ये देखो एडजस्टमेंट चलती रहती है, तो आप लोग इसको भी एडजस्ट खुद के हिसाब से कर सकते हो ताकि आप अपने हिसाब से अच्छा सा अच्छे इंट्रो बना सको। सो ये तो ये जो इंट्रो है वो 12 सेकंड का बना है, इंट्रो बस इतने ही सेकंड का बनाना चाहिए क्योंकि फिर वीडियोस में क्या दिखाओगे, इसी वजह से इंट्रो इतना ही हो। ओके गाइस, सो ये था आज का इजी एंड क्विक ट्यूटोरियल, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया हो। तो आप लोग भी इस तरह के इंट्रोज कैपकट ऐप से बना सकते हैं क्योंकि कैपकट ऐप से काफ़ी अच्छे अच्छे इंट्रोज बन सकते हैं, सो आप लोग भी बनाइएगा। एंड आज के ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने आज की वीडियो फिर से। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो बेसिकली एक एडिटिंग, सो ये था आज का इजी एंड क्विक ट्यूटोरियल।